आखिर आप अपना मोबाइल नंबर कैसा लें? वैसे तो ये सच है कि मोबाइल नंबर भी हमारी किस्मत को प्रभावित करता है। जिस प्रकार ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, ठीक उसी प्रकार अंक भी हमारे व्यक्तित्व और भाग्य को प्रभावित करते हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि हमारा मोबाइल नंबर आखिर कैसा हो, कौन से ऐसे अंक हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल नंबर में होने चाहिए। आचार्य जी बताएं आज कि मोबाइल नंबर में कौन से अंक ज़्यादा होने चाहिए और कौन से नहीं। बिल्कुल, देखिए अंक ज्योतिष के अनुसार अंक भी अपना काम करता है और अंक भी ग्रहों से संबंध रखता है। अंक भी 1 से लेकर के 9 तक हैं, ग्रह भी 1 से लेकर के 9 तक हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अंक होते हैं, जैसे जो 9 नंबर का अंक है, बहुत ही उत्तम माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंक होता है। यह अंक मोबाइल नंबर में सबसे अधिक अगर बार होना बहुत ही बलवान मनाता है, बहुत ही अच्छा मानता है। मैंने देखा कई बार लोग लास्ट में 999 ऐसे बहुत सारे ले लेते हैं, स्टार्टिंग में 9 का नंबर ज़्यादा ले लेते हैं, बहुत अपने आप को शुभ मानते हैं। यह धन वृद्धि में मददगार होने के साथ साथ आपके परोपकार और ज्ञान का विशेष सूचक माना जाता है। छात्र, लेखक, दार्शनिक एवं रचनात्मक व्यक्तियों के लिए यह अंक यानी 9 नंबर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप 9 नंबर के ही पीछे लगे रहें, 9 नंबर को ही विशेष ध्यान दें, और भी अंक आपके ग्रह के अनुसार, आपके राशि के अनुसार अच्छा काम करते हैं। ध्यान रखें कि आप किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्या करते हैं, किस तरह का आपका काम है। अगर आप संगीतकार हैं, आप गायक हैं, चित्रकार हैं अथवा अन्य कला से जुड़े हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको 3 या 4 अंक का जो टोटल मूलांक हो मोबाइल नंबर का, ऐसा नंबर आप चुन सकते हैं, या फिर जो मोबाइल नंबर का लास्ट अंक हो वो 3 या फिर 4 हो। अगर आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं, पुलिस में, सेना में हैं या कोई रक्षा क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए 6, 7 या 2 अंक बहुत ही शुभकारक होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये अंक आपके लिए व्यक्तित्व को अच्छा निखारता है और आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। अगर आप राजनीति या शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, तो आपके लिए 3-4 अंक का जो नंबर है, 3 या 4, ये आपके लिए बहुत शुभदायी होता है, बहुत ही फलदायी होता है, और इससे आपका जीवन बहुत ही आगे बढ़ता है और आपकी राजनीति में, शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी विकास करते हैं। अगर आप व्यापारी हैं और व्यापार करते हैं, व्यापारी क्षेत्र के वाले लोगों के लिए 1 और 5 अंक का नंबर बहुत ही अच्छा होता है। अगर ये नंबर का उपयोग आप करते हैं, यानी मोबाइल नंबर पूरा टोटल जुड़ करके इसका अंक 1 आए या फिर 5 आए मूलांक तरीके से, तो अगर ऐसा करते हैं तो आपका व्यापार उत्तरोत्तर वृद्धि करता है और इस नंबर से जिस व्यक्ति से आप बात करते हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है, आपके कहने को मानता है, आपका सम्मान करता है, आपकी बातें आगे बढ़ती हैं। जी,